शांत रहना और इस पे दिखाना, मुझे फोकस करके, ठीक है? इस पे दिखा बस, पकड़ ऐसे दिखाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, जनरल इंग्लिश का हम देखने वाले हैं कैसे तरीका पेपर आएगा आपका, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जनरल इंग्लिश से देखेंगे। यहाँ पे डीआरडीओ और ये मतलब आईओसीएल और डीआरडीओ के लिए दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि डीआरडीओ को भी आपका एग्जाम है। तो सेट वन हम यहाँ पे करने वाले हैं। 10 दिन आपके पास है, मतलब 10 दिन के बाद आपका मतलब एग्जामिनेशन है। किसी का 12 तारीख को, किसी का 13 को, किसी को 14 को, किसी को 15 को, ठीक है? डीआरडीओ का, और 6th को है इसका एग्जाम। तो किस तरीके का एग्जाम मतलब पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा देख लीजिएगा। चलो यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको सबसे पहले देगा क्या, सेलेक्ट द सिनोनियम। सिनोनियम से होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची हिंदी में भी बता रहा हूँ, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है? तो कह रहा है अश्योरेंस। अश्योरेंस का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टिट्यूड, ठीक है? यहाँ पे इसका बी आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ समझ में अगर आ जाए, अश्योरेंस का मतलब मीन्स होता है बिलीव दैट समवन कैन डू सक्सेस ऑफ समथिंग। मतलब कह रहा है आत्मविश्वास, अपने ऊपर पूरा भरोसा, इसका मतलब अश्योरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है? एंड उसके बाद देखो, सर्टिट्यूड का मतलब हो गया निश्चित होने का भाव। मतलब ये कह रहा है फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग, ठीक है? ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में। दूसरा जैसे क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है, विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट, ठीक है? या तो अपोजिट बोलेगा या तो एंटोनियम बोलेगा, ठीक है? तो रेनफोर्स, रेनफोर्स का आपको पूछा गया है, तो रेनफोर्स का क्या हो जाएगा, वीकेन, ठीक है? वीकेन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अश्योरेंस ये हो गया, ठीक है? और इसके बाद जैसे मान लो कि कुछ मीनिंग्स और बता दूं, मिसगिविंग। मिसगिविंग का देखो क्या हो जाता है, संदेह या चिंता। ये कह रहा है मिस मीन्स होता है फीलिंग ऑफ डाउट, वरी ऑफ सस्पेंशन, ठीक है? या फिर इनक्रेडिलिटी, इसका मतलब हुआ किसी बात पर अविश्वास करने वाला, असमर्थ होने की अवस्था या भाव, ठीक है? एप्रिहेशन, एप्रिहेशन का मतलब हो गया मीन्स एनेक्सिटी ऑफ फियर ऑफ द समथिंग बैड, यहाँ पे अनप्लीजेंट विल हैपन। चिंता या डर, कुछ बुरा या अप्रिय होगा, ये हो गया अप्रिहेंस, ठीक है? इसका देखिए यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स द बोल्ड वर्ड। तो देखो इसका सिनोनियम्स पूछ रहा है आपको, इंडेक्स का। तो इंडेक्स का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, बताओ? गाइड हो जाएगा, ठीक है, GUID, गाइड इसका आंसर हो जाएगा। ये सिनोनियम्स है। तो सिनोनियम्स में एंटोनियम्स आपको लिस्ट में याद करनी है, मैं आपको पूरा बता दूंगा एक बार, ठीक है? लिस्ट बना के रट्टा मार लेना उसको जल्दी, समय कम है, ठीक है? बस मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूज इन द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द, यहाँ पे कह रहा है इटेलिसिस्ड वर्क वर्ड, ठीक है? ये कह रहा है कि द बॉय रेफ्यूज टू अलाउ एनी वन इन टू द रूम्स हिज, यहाँ पे क्या भरना है, वॉज मिस अंडरस्टूड बाई दोज हु डिडेंट नो हिम, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनना है भाई, ये आपको बताना है, ठीक है? यहाँ पे क्या बनना है, रेफ्यूजल, ठीक है? ये आंसर इसका हो जाएगा, रेफ्यूजल यहाँ पे भरना है, ठीक है? आगे देखिए क्या है, डायरेक्शन देगा आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इडियम्स आपको पूछा गया है, इडियम्स होते हैं आपके एक तरीके के मुहावरे बोल सकते हो, लेकिन मुहावरे नहीं होते हैं, एक तरीके की मीनिंग होती है। फुल ऑफ हॉट हॉट एयर, ठीक है? फुल ऑफ हॉट एयर मतलब एक एयर है, ठीक है, और ये फुल है, ठीक है, मान लो हॉट एयर से, ये क्या है, हॉट एयर से, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब फुल ऑफ हॉट एयर, ठीक है? तो फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब हो गया फुल, यहाँ पे फुल ऑफ नॉनसेंस, ठीक है? फुल ऑफ नॉनसेंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब आर्टिकल क्या होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है? ये तीन आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल की क्लास मैंने मतलब है डीआरडीओ की, अगर डीआरडीओ की इंग्लिश वाली अगर प्ले लिस्ट देखोगे तो ए एन द के आर्टिकल पूरे करा रखे हैं। तो आई थिंक इसके बाद क्या बनना है, ऑनेस्टी इज द, यहाँ पे क्या बनना है, बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो भरा जाता है, बोले इससे पहले क्या भरा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है? आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, तो नो आर्टिकल आ द, ठीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे देखो इसका देखते हैं आगे, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस, इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट नीड सेलेक्टेड नो इम्प्रूवमेंट।
यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि देखो, यहाँ पे कह रहा है फियर्स एंड कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या प्राइस है, अलोंग अलोंग होगा इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अलोंग होगा या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अमंग होगा फिर थ्रा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमंग, ठीक है, अमंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइस लगा है, प्राइस लगा है, ठीक है, इस तरीके से अमंग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल द वर्क। यहाँ पे आपको एडवर्ब भरना है, जैसे बाइडली देखो कह रहा है एंड द एट द स्टेडियम द फैंस वियर वेयर नहीं वेयर नहीं वर है, ठीक है, डब्ल्यू आर ई वर है। एट द स्टेडियम द फैंस वर चीयरिंग, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, वाइडली भरा जाएगा, न्यूली या फिर ओबेडेंटली या फिर रेयरली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाइडली, ठीक है, वाइडली यहाँ पे भरा जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखो कह रहा है द कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द बॉडी इज डिप्रिव्ड ऑफ विटामिन्स मिनरल्स अदर न्यूट्रिएंट्स नीड टू मेंटेन हेल्थी टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ डेवलप व्हेन द बॉडी इज डेप्रिव्ड, क्या लिखा हुआ है, डेप्राइव्ड, ठीक है, ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इट्स नीड टू मेंटेन हेल्दी टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन। तो भाई क्या बोलेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये लिखा हुआ है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्यूचर टेंस पूछ रहा है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में फिल इन द ब्लैंक। यहाँ कह रहा है बाय दिस टाइम टुमारो ही के बाद क्या भरा जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे लिखा है जेटर्स एज हिज न्यू जॉब, ठीक है, यहाँ पे कोई नेम है जेटर्स हिज न्यू जॉब, तो क्या भरा जाएगा, वी विल हैविंग विल हैव या कैन बी हैविंग मस्ट बी हैविंग। तो आंसर हो जाएगा विल बी हैविंग, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा विल बी हैविंग। आगे देखिए कह रहा है चेंज द गिवन सेंटेंस एक्टिव पैसिव, ठीक है, ये पक्का आएंगे ये क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में। देखो क्या कह रहा है क्लोज द डोर, मैं एक काम करता हूँ एक्टिव पैसिव पे एक वीडियो बना देता हूँ, एक्टिव पैसिव पे वीडियो बनाए क्या, देख लेना कहीं का किसी का भी वीडियो, मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ बस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्लोज द डोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा पूछा जाता है। तो लेट द डोर भी क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज, तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वी शैल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड सी, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कम विद अस, तो क्या भरा जाएगा भाई, वी शैल, शैल शैल और विल शैल आया, तो क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना विल, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विल। चलो नेक्स्ट देखिए कह रहा है फिल आउट द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कंडीशनल, यहाँ पे क्या आंसर होगा, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, यू कंडीशन विल बिकम वर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दैट एंड इन केस, क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे हमारा भरा जाएगा अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आउट आउट ऑफ द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कंडीशनल यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, ये तो वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है मनोज सेड टू मीरा डोंट ट्राई डू नॉट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, ठीक है, क्या आंसर होगा करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, देखो मनोज मनोज टोल्ड, ठीक है, मीरा नॉट टू ट्राई डू नॉट आई नॉट टू ट्राई टू मेक ए फूल हिम, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आंसर नेक्स्ट देखते हैं, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड इन इट इज, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टू द स्टोरी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, इंटरगल, यहाँ पे और क्या होगा, इंटरवरेंस एंड एक्साइटिंग एंड इननेट, क्या हो जाएगा, इंटरगल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर कह रहा है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड, मतलब यहाँ पे गलत जो रॉन्ग मीनिंग है, रॉन्ग मीनिंग, ठीक है,
तो क्या हो जाएगी रॉन्ग मीनिंग बताइए? प्रीफ्रेंस हो जाएगी। देखो अनब्राइडेबल ये तो सही है, इम्प्लीसिट ये भी ठीक है, ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रीफ्रेंस PREFERANCES है, ठीक है, RENCE होता है। चलो यहाँ पे कह रहा है फिल अप द ऑप्शन गिवन बिलो, चूज द पार्ट ऑफ द हैज एरर, एरर तो कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा भाई? कह रहा है द ऑर्गेनाइजर अश्योर्ड अस दैट सीरीज ऑफ इवेंट वर टू अरेंज एंड नो एरर, तो क्या हो जाएगा भाई? वर टू बी अरेंज, बी यहाँ पे हो जाएगा अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है सी ऑप्शन इज करेक्ट, वर टू बी अरेंज्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है गलत यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, सस्पिशियन ये सस्पेशियन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है SUSPICION। तो आपको स्पेलिंग जो है ना कुछ स्पेलिंग भी आपको याद करनी है, करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द कंटेंट ए ग्रामेटिकली एरर, तो कौन सा भी हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक गोइंग टू पब्लिक प्लेस लाइक मॉल्स हैव बिकम वेरी रिस्की, क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हैव बिकम लगेगा, ठीक है यहाँ पे हैव बिकम्स यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे, मतलब इस तरीके का आपका पैटर्न आएगा, ठीक है इंडियन ऑयल में भी आएगा और DRDO में भी आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश तो यहाँ तो नहीं आती इंग्लिश, ये तो गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश इस तरीके की आपकी पूछी जाएगी, चाहे वो DRDO हो चाहे वो, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कराऊंगा, टेंशन मत लो। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, पहले आपको पैटर्न देखो। बस होता क्या है कि आप सीखते नहीं हो, जैसे आपको डायरेक्ट 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 इन डायरेक्ट का हमारा वीडियो है एक मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद पेसिव वॉइस का मैं बना दूंगा, ठीक है पेसिव वॉइस एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ना यहाँ से अच्छी तरीके से। कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ जैसे मान लो कि इडियम्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट EGMs मैं आपको करा दूंगा यहाँ से, ठीक है वो कर लेना, सेलेक्ट कर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।